आपको मैं बता दूं, SVR ने चार चार वॉल्वो 9600 बसेस खरीदी हैं रिसेंटली। तो गाइस ये देख सकते हैं, यही है NIT कर्नाटका सूरत कल। तो गाइस टाइम हो रहा है 3:35, क्रॉस कर रहे हैं अभी हम लोग उदयावरा रिवर, ये देखिए। तो अभी हम लोग एंट्री ले रहे हैं उडुपी सिटी में, देख सकते हैं हम लोग काफी शानदार ये गेट बनाया हुआ है उडुपी का, देख सकते हैं उधर है उडुपी का सर्विस बस स्टैंड, बगल से भारती की बस पार हो रही है। क्रॉस कर रहे हैं अभी हम लोग पंचगंगावली रिवर, बाकी ठीक बगल में आप देख सकते हैं क्या जबरदस्त एक्सीडेंट हो रखा है इधर ट्रक का। और यहाँ पे हम लोग की बस जो है वो चेंज कर दी गई है, अगर इस रूट पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपके पास कैश हो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवल ब्रोज। मैं हूं जयेश और अभी मैं खड़ा हूं KPT पेट्रोल पंप मैंगलोर में, और आज हमारी ट्रैवल जर्नी होने वाली है मैंगलोर से हैदराबाद की ओर। बाकी गाइज चलिए बात कर लेते हैं मैंगलोर के बारे में। तो मैंगलोर जो है इंडिया का एक मेजर पोर्ट सिटी है, जो इंडिया का 7th लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, और 75% जो कैश्यू और कॉफी एक्सपोर्ट्स होता है ना वो यहीं से होता है। बाकी यहाँ पे काफी ज्यादा शानदार बीचेस भी हैं, जैसे पनंबूर हो गया, सूरतकल हो गया, और आपको डायरेक्ट बसेस मिल जाएंगे KPT से या KSRTC बस स्टैंड से। बस नंबर 15 आप नोट कर लीजिए, बाकी आप किसी से पूछ भी सकते हैं, डायरेक्ट बसेस आपको वहां तक मिल जाएंगे। मैंने विजिट किया था पनंबूर बीच, काफी अच्छी वाइब थी वहां पे, बच्चों के साथ आप वहां पे अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, अलग अलग तरह के वहां पे आपको झूले मिल जाएंगे। बाकी यहां पे आपको हर तरह के वाटर एक्टिविटीज मिल जाएंगे, जैसे पैरासेलिंग हो गया, जेट स्की हो गया, बनाना बोट राइड हो गया, सबके प्राइस आप यहाँ सामने देख सकते हो। डर्ट बाइक राइड भी होती है, आप इस बीच पे कर सकते हो, ठीक है। फ्लोटिंग ब्रिज पे भी आप वॉक कर सकते हो, उसका प्राइस 150 रुपीज़ है। बाकी टाइम हो चुका है 2:03, बस हमारी देख सकते हैं निकल रही है KPT पेट्रोल पंप से। इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है, और इधर देख सकते हैं ये रहा KPT स्क्वायर। रूट हमारा कुछ ऐसा होने वाला है, मैंगलोर से निकल के सूरतकल, उडुपी, मणिपाल, कुंडापुर, बेंदूर, गोकर्णा क्रॉस, अंकोला, येल्लापुर, हुबली, गदक, कोपाल, गंगावती, सिंधनूर, रायचूर, महबूब नगर होकर के हैदराबाद। एग्जैक्ट टाइम पे हमारा डिपार्चर हो गया है, चलिए आपको इंटीरियर्स दिखा दे बस का। ये देख सकते हैं ब्रांड न्यू वॉल्वो 9600 का इंटीरियर्स इधर आपको मिल जाते हैं। बाकी इधर पीछे में देख सकते हैं आपको वही VECB बिल्ड इंटीरियर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एक वाटर बॉटल होल्डर मिल जाता है, बैकरेस्ट हेडरेस्ट तो देख ही सकते हैं, बाकी इनबिल्ट आपको पिलो मिल जाता है, ठीक है, तो इसी में लगा हुआ है। कम्बल मिल जाता है आपको, उधर अपग्रेडेड चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है आपको, जहाँ पे आपको USB भी है और Type-C भी है। मोबाइल फ़ोन होल्डर मिल जाता है ऊपर में, AC का वेंट दो, सब चीज़ सेम है, रीडिंग लाइट, बर्थ लाइट, सामने में लगेज के लिए रैक बना हुआ है। बाकी बीच वाला जो पार्टीशन वाला कर्टेंस है उसका स्पेस तो प्रोवाइडेड है, लेकिन कर्टेंस मिसिंग है यहाँ पे, तो हो सकता है फ्यूचर में SVR ऐड करे तो वो देखना होगा। बाकी चलिए ठीक पीछे में आ जाते हैं, पीछे में देख सकते हैं इमरजेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है, और बाकी सारे विंडोज़ तो इमरजेंसी एग्जिट हैं, आपको पता होगा हैमर दिया जाता है बगल में। बाकी नीचे में मैट बिछा हुआ है, प्रॉपर क्लीन बस है, दिख रहा होगा आपको। बात करें सिंगल में तो सिंगल में भी सब चीज़ सेम ही है, बस एक एक मिलता है आपको, ये देख लीजिए। इधर भी आपको वाटर बॉटल होल्डर मिल जाता है, बैकरेस्ट, हेडरेस्ट, फिर चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाता है इधर आपको,
जी हाँ, मोबाइल फोन होल्डर, कम्बल अम्बल सब चीज, पिल्लो इल्लो। आगे में देख सकते हैं, आगे में ऊपर में आपको एक इमरजेंसी एग्जिट मिल जाता है, सामने आपको फायर अलार्म और क्लॉक मिल जाता है जो टाइम भी बताएगा, टेम्परेचर भी बताएगा। जी हाँ, देख सकते हैं 2:10 हो चुके हैं लगभग। बाकी इस बस में आप देख सकते हैं, एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, ये देखिए कर्टेंस जो है ना वो टिपिकल वाले नहीं है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि ये छूटता नहीं है, ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छा लगा, तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर बनता है गाइस SVR को। तो गाइस टाइम हो रहा है 2:15, पहुँच गए हम लोग अपना पहला बोर्डिंग पॉइंट हम्पन काट, और देख सकते हैं बस हमारे पीछे लगी हुई है, एकदम रोड के साइड में ही लगी हुई है। बाकी जितने भी बोर्डिंग पॉइंट्स है वो तो मैं आपको दिखाते चलूंगा, साइड में मैं डाल भी दे रहा हूँ कि आप चेक कर सकते हो और कोई भी एक बोर्डिंग पॉइंट से इस बस को बोर्ड कर सकते हो आप। बाकी काफ़ी शानदार लिवरी लग रही है, एकदम वाइट ही रखा गया है इसको, लेकिन काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी गाइज आप ड्राइवर केबिन देख सकते हैं, टिपिकली वही वॉल्वो 9600 वाला ड्राइवर केबिन मिल जाता है आपको विथ, ये देख सकते हैं, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। डैशबोर्ड देख सकते हैं, एकदम नीट एंड क्लीन बस है। इधर सामने में भी आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है, ये देखिए। तो गाइज मैं आपको बता दूं, मैंगलोर से हैदराबाद है अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर्स, और टाइम हम लोग को लगेंगे लगभग 19 घंटे। तो हम लोग डिपार्ट किए हैं लगभग 2 बजे दोपहर को, और कल सुबह 9 बजे लगभग हम लोग हैदराबाद में होंगे। तो गाइज मैं आपको बता दूं, ये मेरा SVR के साथ पहला व्लॉग नहीं है, इससे पहले हम लोग ने ट्रैवल किया था हैदराबाद टू गोवा SVR के वॉल्वो B9R, वो व्लॉग मैं ऊपर में डाल दे रहा हूं, आप जाकर के देख सकते हो। तो गाइस टाइम हो रहा है 2:40, पहुंच गए हम लोग KSRTC बस स्टैंड। उसका पूरा गाड़ी आपके पीछे है, फर्स्ट गाड़ी लाइन में आपका सीट आने के बाकी, बहुत 3:30 बजे तो छोड़ते हैं, पूरा आपके पीछे है, बिल्कुल बस स्टैंड के सामने आपको ये बस खड़ी मिलेगी। तो गाइज लगभग 10 दिन पहले ही SVR ने ये रूट चालू किया है, तो एकदम ब्रांड न्यू सर्विस है, तो बस तो आपने देखा ही एकदम ब्रांड न्यू है ही। बाकी देखते हैं कल कितने बजे हम लोग वहाँ पे पहुँच पाते हैं, पंक्चुअल है कि नहीं, बस सर्विस कैसी है, फुल जानकारी आपको इस व्लॉग में मिलेगी, तो एकदम एंड तक बने रही है। बाकी सामने देख सकते हैं वो रहा KSRTC का मैंगलुरु बस स्टैंड, और ठीक उसी के सामने हमारी बस लगी हुई है। देखिए आपको मैं बता दूं, SVR ने 4 वॉल्वो 9600 बसेस खरीदी हैं रिसेंटली, और एक पेयर जो है वो लगवाए हैं हैदराबाद टू शिरडी, जी हाँ उनका जो होम रूट एक तरह से, ठीक है, बहुत सारी बसेस चलती हैं उस रूट पे उनकी, हर दिन आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 6 वॉल्वो चलाते हैं वो उस रूट पे, और दूसरा जो पेयर है वो उन्होंने इस रूट पे डाला है हैदराबाद से मैंगलुरु। बाकी गाइस इधर देख सकते हैं सीधा रास्ता पनंबूर बीच तक चले जाता है, यहाँ से भी आप इस बस को बोर्ड कर सकते हैं।
तो गाइस दोपहर के 3 बज रहे हैं, पहुंच गए हम लोग सूरत कल। कुछ ही दूर आगे आएगा NIT कर्नाटका, सूरत कल में ही है वो। गाइस ये देख सकते हैं, यही है NIT कर्नाटका सूरत कल। फिलहाल अभी हम लोग कोंकण कोस्ट के पैरेलली चल रहे हैं। मुंबई से लेकर के मैंगलोर तक वो जो शोर है उसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। बाकी कोंकण के जो नज़ारे हैं वो तो मैंने आपको पहले भी दिखाया है, काफ़ी ज़्यादा शानदार होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने ट्रैवल किया था हैदराबाद से गोकर्ण, जी हाँ गोकर्ण क्रॉस तक। तो वो वाला तो व्लॉग ऑलरेडी चैनल पे है, आई बटन पे लिंक डाल दे रहा हूँ, जाके देख सकते हैं। तो गाइस टाइम हो रहा है 3:15, पहुंच गए हम लोग हेजामाड़ी टोल प्लाजा। उड़पी
गाइस टाइम हो रहा है 3:35, क्रॉस कर रहे हैं अभी हम लोग उदयावरा रिवर। ये देखिए तो रिवर क्रॉस करते ही एंट्री हमारी हो चुकी है उडुपी में। बाकी आपको पता होगा उडुपी का खाना बहुत ज़्यादा फेमस है। बैंगलोर के हर गली मोहल्ले में आपको उडुपी का रेस्टोरेंट मिल जाएगा। बाकी कोंकण कोस्ट के जितने भी सारे रिवर बेड है ना, जैसा अभी तक मैं देखते आया हूँ, काफ़ी ज़्यादा ही ग्रीनरी रहती है उसमें और पूरा एकदम पेड़ वेड़ भरे हुए रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अभी हम लोग एंट्री ले रहे हैं उडुपी सिटी में, देख सकते हैं हम लोग। काफी शानदार ये गेट बनाया हुआ है उडुपी का, एंट्री गेट। वाओ, तो गाइस उडुपी के जितने भी सारे बोर्डिंग पॉइंट्स हैं वो ये मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो और कोई भी एक बोर्डिंग पॉइंट से इस बस को बोर्ड कर सकते हो। तो गाइस टाइम हो रहा है 3:42 और पहुँच गए हम लोग उडुपी का सर्विस बस स्टैंड। ठीक पीछे में देख सकते हैं उधर है उडुपी का सर्विस बस स्टैंड, बगल से भारती की वीरा बिल्ड बस पार हो रही है और ये रही अपनी बस। तो गाइस डेट है आज 1 नवंबर और आज है कर्नाटका राज्योत्सव, कर्नाटका स्टेट डे। तो जितने भी सारे मेरे कन्नडिगास व्यूअर्स हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। టైమింగ్ గలత అయిందని చెప్పాడు కదా ఆయన, అది L20 అది మరి L20 చూడు ఇగో ఇదో టైగర్ సర్వీస్ హైవే చెంటర్ దగ్గర లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ రోడ్ దగ్గర హైవే చెంటర్ రాజనా टाइम हो रहा है 4 के करीब। उडुपी से निकल गए हम लोग टुवर्ड्स मणिपाल। शाम के 4 हैं और हम लोग पहुंच गए हैं मणिपाल का टाइगर सर्कल।
गाइज़ अभी हम लोग चल रहे हैं NH66 में, जो स्टार्ट होती है महाराष्ट्र के पनवेल से और एंड होती है कन्याकुमारी तमिलनाडु में। तो गाइस टाइम हो रहा है 4:45, पहुंच गए हम लोग कुंडापुरा। टाइम हो रहा है 4:50, क्रॉस कर रहे हैं अभी हम लोग पंचगंगावली रिवर। शाम के 5 बज रहे हैं और हम लोग पहुंच गए हैं मारावंते बीच। देख सकते हैं जस्ट बगल बगल से चलती है रोड और ठीक बगल में है बीच। तो गाइस टाइम हो रहा है 5:20 और बेंदूर में ले लिए हैं हम लोग ने अपना टी ब्रेक। जैसे देख सकते हैं होटल शिव सागर है और ठीक बगल में अपनी बस लगी हुई है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोड प्रेजेंस है इस बस का। वैसे कुछ खास लिवरी उतना कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा शानदार दिखती है बस। बाकी चलिए अंदर जल्दी जल्दी कुछ कुछ खा लेते हैं क्योंकि लगभग 10 मिनट का ही है स्नैक ब्रेक है। तो गाइज़ मैंगलोर से यहाँ तक हम लोग ने कवर कर लिया है अप्रॉक्सीमेटली 130 किलोमीटर्स और लगभग 870 किलोमीटर्स और बाकी है यहाँ से। बाकी नज़ारे तो आप देख ही रहे होंगे, क्या शानदार कोस्टल कर्नाटका के नज़ारे हैं। और अभी कुछ देर और तक मैं आपको दिखा पाऊँगा, उसके बाद रात हो जाएगी और फिर ये नज़ारे विलुप्त हो जाएंगे। ठीक बगल में देख सकते हैं VRL की स्लीपर बस, VRL की नॉन एसी स्लीपर बस निकल रही है। मुझे लग रहा है ये वाली मुंबई वाली है। देख सकते हैं अच्छा से सजाया गया है कर्नाटका राज्योत्सव के लिए इसको। तो गाइस टाइम हो गया 5:35 और 15 मिनट का ब्रेक के बाद हम लोग निकल चुके हैं वापस से अपने रूट पे। बाकी ठीक बगल में आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त एक्सीडेंट हो रखा है इधर ट्रक का। ओ भाई साहब,
तो गाइस शाम के 6:15 हो रहे हैं और हम लोग मुरुदेश्वर पहुंच चुके हैं। टाइम हो रहा 7:55, पहुंच गए हम लोग अंकोला और यहां से हम लोग ने NH-66 को छोड़ करके NH-52 पकड़ लिया है। तो गाइज रात के 8:30 बज रहे हैं और हम लोग ने ले लिया है अपना डिनर स्टॉप। पीछे में देख सकते हैं होटल उडुपी एंड हाईलैंड रेस्टोरेंट है जहाँ पे हम लोग ने लिया है अपना डिनर स्टॉप। और ये जगह जो है अंकोला डिस्ट्रिक्ट में ही आती है। बाकी अंकोला से जैसे ही हम लोग निकले और हम लोग ने NH-52 पकड़ा है तो NH-52 का जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। ठीक है, कोई कोई पैचेस तो ऐसे हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढे वड्ढे हैं, रोड मतलब उखड़ सी गई है, ट्रक्स का बहुत ज़्यादा इधर मूवमेंट होता है इसीलिए वो चीज़ हो रहा है इधर। बाकी इधर देख सकते हैं ये कुछ है अपना रेस्टोरेंट। हम लोग की बस लगी हुई है आगे,
तो चलिए लगभग आधा घंटा का रेस्ट स्टॉप है, जल्दी जल्दी खाते हैं, रिव्यू करते हैं रेस्ट स्टॉप का और फिर निकलते हैं यहाँ से। बाकी अंदर से कुछ ऐसा है गाइस रेस्टोरेंट, और ये देखिए उधर है मेन्यू। चलिए आपको मेन्यू दिखा दें इसका। तो ये देख सकते हैं ये है कुछ यहाँ का मेन्यू। तो मैंने मंगाया पनीर मसाला और 3 रोटी। तो चलिए जल्दी जल्दी खाते हैं, रिव्यू करते हैं, निकलते हैं यहाँ से। तो भाई इधर देख सकते हैं आज हम लोग का डिनर, पनीर मसाला 3 रोटी। तो गाइस टाइम हो गया है 8:50, खाना पीना हो गया मेरा, और काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ मैं इस रेस्ट स्टॉप से, क्योंकि खाना एकदम बढ़िया नहीं था। आपने देखा गिन करके लगभग 6 पीस वो लोग पनीर दिए थे, या 6 पीस भी नहीं, 5 ही पीस था। बाकी 170 चार्ज किए हैं वो पनीर बटर मसाला का, और 20 रुपया पर पीस तंदूरी रोटी। तो एकदम वर्थ इट नहीं था और कुछ टेस्ट भी नहीं था। पिछली बार जब हम लोग ट्रैवल कर रहे थे अग्निपुत्र में, तो वो जहाँ रुकी थी ना काफ़ी ज़्यादा शानदार जगह थी वो, काफ़ी अच्छा टेस्ट था वहाँ का, लेकिन यहाँ कुछ खास है नहीं। रेस्ट स्टॉप जो हाइजीन है वो भी अच्छा से मेंटेन नहीं कर रखा है यहाँ पे। तो आई होप कि अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं वॉल्वो 9600 में, तो उस हिसाब से उस स्टैंडर्ड का रेस्ट स्टॉप भी होना चाहिए। आई होप फ्यूचर में कुछ देखेंगे SVR और चेंज करेंगे अपना रेस्ट स्टॉप। बाकी इधर आप अगर इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपके पास कैश हो, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं रहती है। तो बड़ी मुश्किल से इधर पेमेंट हुई है मेरी, तो वो चीज़ का भी ध्यान रखिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे फिर। तो गाइस टाइम हो रहा है 8:55, निकल चुके हैं हम लोग अपना रेस्ट स्टॉप से। बाकी यहाँ से हम लोग के दूसरे ड्राइवर अन्ना ने कमान संभाल लिया। तो गाइस टाइम हो रहा है 9:50 और हम लोग येल्लापुर पहुंच गए हैं। रात के 3 बज रहे हैं और हम लोग सिंधनूर पहुंच गए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के 7:22 हो रहे हैं और अभी हम लोग बाईपास कर रहे हैं शादनगर। तो गाइस टाइम रहा है 7:50 और
पहुंच गए हम लोग शमशाबाद एट लास्ट। ये जो गांधीगुड़ा वाला फ्लाईओवर था बन चुका है अब। ये लीजिए एंट्री हो रही है हमारी हैदराबाद में। पहला ड्रॉपिंग पॉइंट अपना शमशाबाद, उसके बाद रिंग रोड होके निकल जाएंगे हम लोग गाछी वाली तरफ। तो गाइस टाइम हो रहा है 8:20, पहुंच गए हम लोग गच्छी बौली का टोल के पास और यहाँ पे हम लोग की बस जो है वो चेंज कर दी गई है। ठीक है, मेन बस जो है यहाँ से वापस चले जाएगी और हम लोग को ये पिकअप वैन में बैठा करके रेस्पेक्टिव ड्रॉपिंग पॉइंट तक पहुँचाया जाएगा। बाकी वो रही अपनी बस निकल रही है। काफ़ी अच्छा जर्नी रहा, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल थी। इनफैक्ट हम लोग की जो बस थी ना 80 पे लॉक थी, फिर भी लगभग ऑन टाइम हम लोग पहुंच गए। गाइस टाइम हो रहा है 8:30, पहुंच गए हम लोग गच्छी बौली और यहाँ पे एंड हो जाती है हमारी एक जर्नी। टाइम यहाँ पे पहुंचने का था 8:00, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, लगभग आधे घंटा ही हम लोग लेट हुए हैं। बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी रही और रहेगी भी क्यों नहीं, वॉल्वो 9600 की जो जर्नी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जितना भी डिटेल्स है सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप जाके चेक कर सकते हो। और अगर आप जर्नी प्लान बना रहे हो हैदराबाद टू मैंगलोर या मैंगलोर टू हैदराबाद, तो आप ये बस प्रेफर कर सकते हो। बाकी आई होप कि आपको ये जर्नी काफ़ी अच्छी लगी होगी। कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट में मेरे से आप पूछ सकते हो। ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सिया, टेक केयर, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।